ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आज अपन सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत एक है ना, उसका भाग एक है बेटा। इसको आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि अपना सामाजिक विज्ञान नाइन्थ का चार भागों में, और एनसीईआरटी की बुक हो गई है ना बेटा। तो आज अपन कक्षा नौवीं का भूगोल अध्याय एक, इसका अध्ययन बेटा अपन ने पहले किया था, इसका पीडीएफ डला हुआ है बेटा। आज अपन बेटा इनके प्रश्न उत्तर को देखेंगे कि मतलब उसके प्रश्न उत्तर आपको कैसे हल करने हैं। मैं दीप्ति शर्मा आज आपको प्रश्न उत्तर हल करने का बताऊंगी। तो पहला है बेटा, आप देखिएगा बुक में जो दिए होते हैं बेटा, पृष्ठ क्रमांक दो पे आप देखिएगा, आपको आज एनसीईआरटी की बुक में हर पृष्ठ पे आपको प्रश्न मिलेंगे, आपको उनके आंसर लिखने हैं। तो पृष्ठ क्रमांक दो में आपका आंसर है बेटा, 80°30' पूर्व देशांतर की भारत की मानक मान्योत्तर क्या माना गया है। तो आप देखिएगा एक कॉलम बनाया हुआ है ब्लू कलर का, उस पर ये प्रश्न है। तो उसका आंसर है बेटा, 82°30' पूर्व देशांतर को भारत की मानक मान्योत्तर इसलिए माना जाता है क्योंकि यह रेखा भारत के मध्य से होकर निकलती है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा निकलती है तो मालूम होगा बेटा आपको, है ना। फिर है कन्याकुमारी और कश्मीर, प्रश्न दूसरा, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्या अंतर क्यों है, मतलब क्यों अंतर है। तो कन्याकुमारी और भारत में अक्षांशी विस्तृत दक्षिण छोर से, और कश्मीरी भारत का अक्षांशी विस्तार उत्तरी छोर से। तो भारत का अक्षांशी विस्तार लगभग कैसा है, 30° पर है, इसलिए इसका प्रभाव दिन रात की अवधि में पड़ता है। तो इसलिए कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं बेटा, एक या डेढ़ घंटे का अंतर होता है। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब जो पश्चिम में जो है और जो पूरब की ओर है, पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की मतलब जो संख्या है। तो पश्चिमी तटों पर और केंद्रीय शासित क्षेत्र में आएंगे दीव, दमन, दादर और नागर हवेली, माहे। कुछ लक्षद्वीप पूर्वी तटों पर और केंद्र शासित हैं। फिर है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्या है बेटा, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और उससे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो कौन कौन सा हो गया, बड़ा राज्य है राजस्थान और छोटा कौन सा हो गया, गोवा। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते। तो जो कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते, तो पहला है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये जो राज्य हैं वो समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते। फिर इसके बाद है बेटा पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है। तो पाकिस्तान की सीमा को छूने वाला राज्य कौन कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है और पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसके बाद मान्यवर की ओर चलेंगे अपन, तो मान्यवर की जो सीमा है उसमें चीन की सीमा को छूने वाला राज्य होता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। आप ये मैप भारत के मैप में ध्यान से देखोगे बेटा तो ये सब चीन की सीमा को छूने वाले राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सब क्या है, चीन की सीमा को छूने वाले राज्य हैं। फिर है निम्नलिखित में से चार, आपको फिर आप प्रश्न क्रमांक छः पे आएंगे, जब पूरा पाठ आपका खत्म होगा तो लास्ट में आपके लिए प्रश्न क्रमांक छः है, उसमें ये अभ्यास पुस्तिका दी हुई है बेटा। तो उसमें से निम्नलिखित आपको ये सही विकल्प चुनकर लिखना है, आप इनको ध्यान से देखोगे तो निम्नलिखित चार उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है। चार ऑप्शन है बेटा आपके पास, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो राजस्थान से भी गुजरती है छूकर, आप कभी ध्यान से देखोगे भारत का नक्शा तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा ये तीनों रेखा मतलब रेखा जो
कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। फिर है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो चार ऑप्शन है बेटा, 97 डिग्री, 77 डिग्री, 68 डिग्री 7, और उसके बाद है 82 डिग्री 32 पूर्व। तो ये आपके चार ऑप्शन है बेटा, उसमें का वाला है 97 डिग्री 25 पूर्वी, ये जो है ये क्या है, पूर्वी देशांतर है। फिर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, तो आप बता दो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश, मतलब किस देश की सीमा को छूती हैं, तो नेपाल। आप देखिएगा भारत के नक्शे में नेपाल ऊपर है ना, तो उत्तराखंड के पास ही ये सब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब की सीमा को नेपाल टच करता है ना। फिर है ग्रीष्म काल में यदि आप कर्वती जाना चाहते हैं तो केंद्र शासित क्षेत्रों में कैसे जाएंगे, तो जो ग्रीष्म काल है उसमें कर्वती जाना चाहते हैं, मतलब आप अगर जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र से जाएंगे, तो आप कर्वती जाने के लिए आपको लक्षद्वीप से जाना होगा। फिर है मेरे एक मित्र एक ऐसे देश में निवास करते हैं, मतलब मेरा एक मित्र है वो एक ऐसे देश में निवास करते हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है। पहला ऑप्शन है बेटा भूटान, दूसरा है तकाचिस्तान और तीसरा है नेपाल और चौथा है नेपाल। तो जो तकाचिस्तान है वो भारत के साथ, मतलब भारत की सीमा के साथ नहीं लगती, वो तकाचिस्तान किसकी सीमा से लगेगा, पाकिस्तान। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सापेक्ष में दीजिए, ये आपका दूसरा सेक्शन हो गया शुरू, उसमें है निम्नलिखित प्रश्नों को सापेक्ष में उत्तर दीजिए। तो पहला है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए, मतलब जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ के स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए, और दक्षिण में कौन से द्वीप देश हमारे देश के हमारे पड़ोसी हैं, तो आंसर रहेगा बेटा इसका, अरब सागर के लक्षद्वीप समूह के साथ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, मतलब जो अरब सागर है वहाँ पे लक्षद्वीप समूह पर कौन सा, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या है, स्थित है, और दक्षिण में मालदीप है और श्रीलंका द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। फिर उसके बाद है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बहुत अधिक बड़े हैं, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल से भारत में क्या है, सबसे बड़े हैं, तो रूस के क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, भारत के से बड़े हैं, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो ये इतने जो देश हैं वो भारत देश की क्षेत्रफल से क्या है, बड़े हैं। हमारे उत्तर पश्चिम और उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसियों के नाम बताइए, तो हमारे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तथा उत्तर पूर्व में बांग्लादेश और मान्यवर शामिल हैं। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, मतलब भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इन इन राज्यों से होकर कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कौन कौन सा है बेटा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इतने जो हैं राज्य हैं इनसे होकर गुजरती है। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी भाग में और गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों हो जाता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समान समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। जो अरुणाचल प्रदेश है ना बेटा और गुजरात, इसके बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, कितनी डिग्री का, 30 डिग्री देशांतर का क्या है, अंतर है, इसी कारण इन दोनों राज्यों के बीच में 2 घंटे का फासला होता है।
उदय गुजरात से पहले होता है कहाँ? चूंकि अरुणाचल प्रदेश में पूर्व में है इसलिए वहां सूर्य उदय गुजरात से पहले होता है, क्योंकि सूरज पूर्व से निकलता है, ये तो सभी को पता है ना बेटा। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? पूर्व में है, पूर्व दिशा की ओर है, इसलिए सूर्योदय गुजरात से पहले होता है। भारतीय मानक समय 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 पर भारत की मानक मान्योत्तर को तय करती है, इसलिए दोनों राज्यों की एक ही घड़ी एक ही समय दर्शाती है। फिर है बेटा चौथा, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है ना? तो हिंद महासागर पश्चिम के यूरोप देशों के पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। अब जो हिंद महासागर है पश्चिम के यूरोपीय देशों के पूर्वी देशों को क्या करता है? मिलाता है। भारत इन देशों को मिलान करने वाले मार्ग में क्या है? स्थित है, जिस कारण हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति क्या करता है? प्रदान करता है। मतलब जो हिंद महासागर है भारत को कैसे केंद्रीय मतलब बीचों बीच है ना स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर शीर्षवत फैला हुआ है, तो दक्षिण का पठार और हिंद महासागर शीर्षवत है। यहाँ पर एक लंबी तटरेखा प्रदान करता है, मतलब जो महासागर है वहाँ पर एक लंबी तटरेखा क्या करता है? अपन को प्रदान करता है, जिसके मध्य से भारत पश्चिम एशिया अफ्रीका यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी निकट संबंध बनाए हुए हैं। फिर बेटा अपन मानचित्र कौशल देखेंगे, अपन को मानचित्र में देखना है ठीक है। तो अरब और बंगाल की खाड़ी में स्थित दो द्वीप कौन से हैं? अरब और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है बेटा? लक्षद्वीप। फिर भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप बनाने वाला देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन तीनों से मिलकर बनता है। फिर है कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो आप देखोगे बेटा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब राज्यों से होकर कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। फिर है बेटा भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिण मध्य बिंदु कौन सा है? तो पहला है बेटा कन्याकुमारी। तो भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिण मध्य कन्याकुमारी, मतलब कन्याकुमारी कहाँ है? दक्षिण में। फिर भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। फिर अंशों के आधार पर 8 डिग्री 4 उत्तर पर है। क्या है ये? मुख्य भूभाग दक्षिण एशिया, दक्षिण अक्षांश। भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर क्या है? पश्चिमी है 68 डिग्री 7 इंच और पूर्वी है 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर है ना। इसके बाद है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? मतलब जो सबसे लंबी तट रेखा जिसके मतलब तो वो राज्य है तट रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात ठीक है। भारत और श्रीलंका को अलग अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? मतलब भारत और श्रीलंका को अलग अलग जो जल संधि जो सॉरी जो संधि है वो कौन सी है? जल संधि है पाक जल संधि है, जो भारत और श्रीलंका को अलग अलग करने वाली जल संधि है। फिर उसके बाद है बेटा 10वां प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जो भारत के केंद्र शासित देश हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है दीव और दमन, दादर, नगर हवेली, माहे, लक्षद्वीप या नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि, ये सब भारत के क्या हैं? केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो बेटा ये आपने आज अध्याय 2 भूगोल का अध्याय 2 का अध्ययन किया। आपको अध्ययन मैंने PDF पहले बताया था, इसका अध्ययन कराया था बेटा, आपको समझाया था मैंने पाठ को, आज इसके आपको प्रश्न उत्तर बताए हैं बेटा। आप इनको अच्छे से लिखें, कॉपी में लिखें, याद करें, ये आपकी परीक्षा में आपको याद करके आपको परीक्षा में लिखना हो। धन्यवाद।